गुड मॉर्निंग डियर सर। गुड मॉर्निंग। कितने लोग नए हैं? अभी मैंने सुना कोई कोई तो नया है। हम पहली बार आए, तो इनके लिए क्या होना चाहिए? तैयारी सेशन मिस्टर एंड मिसेस कुमार साहब ने अरेंज किया है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत डेवलपिंग जो शहर है, मतलब मुंबई के हिसाब से ये अभी अच्छे से डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे लोग इकट्ठा करके उनकी सेवा उपलब्ध करके लेना स्टॉक पॉइंट के हिसाब से, एजुकेशन सेविंग के हिसाब से बहुत मायने रखता है। तो दोनों के लिए इस लक्ष्मी नारायण के लिए बहुत बहुत आज का सेशन हेल्थ का है, ऐसे ही बोला गया है ना? सेशन किस चीज का है? हेल्थ है, बराबर है। तो हेल्थ के सेशन में पहले से हम ये शुरुआत करेंगे, एक्यूप्रेशर कितने लोग जानते हैं? कोई लोग एक्यूप्रेशर जानते हैं? एक्यूप्रेशर समझते हैं? हाथ में ऐसा कोई तो पॉइंट है जहाँ पे अपने प्रेशर किए तो पूरे शरीर को वो फायदा रहता है, लेकिन हमको वो पॉइंट पता नहीं है कि जिससे आपके पूरे शरीर को फायदा मिले। तो हम क्या करते हैं, ताकि हमारे लिए वो एक हेल्थ सपोर्ट हो जाए। आज का दिन मदर्स डे, सबको पता है, ऐसा कोई है कि नहीं पता है? सबको पता है मदर्स डे माँ के लिए समर्पित एक दिन के हिसाब से आज मदर्स डे है। मैं चाहती हूँ खड़े होकर जिस माँ ने हमको गैंगोटर माँ दिया है, उस माँ के प्रति एक समर्पित जीवन कैसे जीना ये समझना बहुत जरूरी है, और उसमें अगर आप कुछ सुधर
संग्रह करते हो तो आपका जीवन एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो सकता है। हर एक व्यक्ति चाहता है हेल्दी लाइफस्टाइल, ऐसा कोई है जो बीमार रहना चाहता है? सब लोग हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, पसंद करते हैं और वो कर सकते हैं। पूरा में लोग क्या करते थे, 90 से 80 साल तक जीते थे, बराबर है। उसमें से 60 साल तक उनको कोई बीमारी नहीं आती थी। उस वक्त तो इधर की मेडिकल इतना डेवलपी नहीं था। 60 साल की उम्र तक वो अच्छे से चलते थे। 60 के बाद भी अगर कुछ डिफिकल्टी आई तो कोई वर्ग या तो घर का गुस्सा लगा के वो ठीक हो जाते थे, और उसके बाद भी कोई तकलीफ हुई तो भी वो सरलता से निकल के 80-90 का जीवन जी लेते थे। लेकिन आज क्या हुआ है कि 10 साल की उम्र में बच्चा एक नेचुरल लाइफस्टाइल नहीं जी पाता है, उसको एंटीबायोटिक मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। आज का जीवन शैली आपका वैसे हो गया, आप आज भी 60-70-80 जीते हो लेकिन वो एक सरल जीवन नहीं जीते हो। आपको मेडिकल का, एंटीबायोटिक का और बहुत सपोर्ट ले लेके आप चढ़ाव उतार करते हो। पहले बीमारियां क्या होती थी, पहले प्लेग होता था, हैजा होता था, यानी उस वक्त का जो बड़ा डिजीज था उससे गांव के गांव निपट जाते थे, खत्म हो जाते थे। लेकिन ये मेडिकल साइंस को धन्यवाद है कि आज वो डिफिकल्टी हमारे पास, वो डिजीज हमारे पास नहीं बची है, हमने उसके पार काम कर दिया है। लेकिन आज का डिजीज क्या है जिसके लिए बैक्टीरिया वायरस की जरूरत नहीं है, सर्दी खांसी जुकाम, ये आज हमारा प्रॉब्लम। बहुत सारी दवाइयां हमको इसके लिए देनी पड़ती थी। क्यों हुआ है, क्योंकि जब आजादी मिली तब कितनी पॉपुलेशन थी, 25 कितनी पॉपुलेशन होगी जब आजादी मिली, तब 2500 करोड़ की आजादी थी, सॉरी पॉपुलेशन था। लेकिन आजादी के बाद आज जब हम 2022 के इसको आए हैं तो आज का पॉपुलेशन कहां तक गया है, 135 करोड़। मतलब उस वक्त जमीन जितनी थी उसमें जो पीक आता था, जो किसान बनाता था धान, वो धान उतने लोगों को गोबर विबर डाल के जो भी करके वो अच्छे से फसल आके सबको मिलता था। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई उस जमीन को क्या हुआ, घटती गई, क्योंकि लोग अपने घर बनाने लगे, मकान बनाने लगे, तो जो खेती बाड़ी का जमीन था वो कम होते गया और पॉपुलेशन बढ़ते गया। यहाँ पे क्या हुआ, जो पहले कुदरती खाना मिलता था, कुदरती धान मिलता था, उसने अभी क्या चलने लगा, इंजेक्शन लगा के जो फल फूल उगाने को शुरू किया, और ज्यादा से ज्यादा उसको बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड लगाते हैं, इंसेक्टिसाइड मतलब कीटकनाशक जंतुनाशक उनको लगाना ही पड़ता है ताकि ज्यादा फसल आए और लोगों तक हम पहुंचा पाए। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो कुदरती खाना हमारे पास आता था वही हमारे लिए मेडिसिन का काम करता है, क्योंकि एक पपीता खा लिए तो अच्छा सा फाइबरस सब्सटेंसेस हमको मिल जाता था। लेकिन वही फाइबरस सब्सटेंसेस जो आपका डाइजेशन इम्प्रूव करता है, आपका पाचन तत्व को इम्प्रूव करता है, आज वो पपीते से नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसको क्या करके आ रहा है, इंजेक्ट करके आ रहा है, उसके ऊपर केमिकल डाल के आ रहा है। तो आज आपके प्लेट तक, आपके थाली तक जो आ रहा है वो प्योर नहीं है, और आने वाली वक्त में भी वो प्योर नहीं होगा, क्योंकि उसको मॉडिफाई करते रहना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी चीजें और इतने लोगों को देनी है तो किसान को वो करना ही पड़ रहा है। लेकिन इसमें और चीज ऐसे है ना, हम कहते हैं कि डिजीज ना आए इसलिए क्या करना चाहिए, आप खाने तक तो रोक सकते हो, लेकिन आज हम किस चीज को खा रहे हैं। अभी ट्रेंड में आ रही थी तो बाजी वाली लड़की बर्गर बर्गर कुछ तो लगा रही थी, और बेचारे दो बच्चे सामने बैठे थे और वो ललचा के उसको देख रहे थे, क्योंकि और माँ कह रही थी अरे तेरे को केला दिया था ना, वो खाया है कि नहीं, तो रोटी खाया कि नहीं, वो इतना सुगंध वाला वो ड्रिंक पी रही और खा रही है, तो बच्चे को इतना, क्योंकि पहला खाना जो आता था वो मौसमी खाना आता था, अच्छा उगाया हुआ खाना आता था, तो शरीर पाचक था, शरीर की जरूरत पूरे कर रहा था। आज जो हम खा रहे हैं वो जहर है, और जो बच्चों को खिला भी रहे वो जहर है, क्योंकि ये क्या है, प्रोसेस फूड है, ये पैक फूड है। अगर पैकिंग में जाता है तो उसको शेल्फ लाइफ यानी वो जो रैक में चढ़ता है उसका जीवन बढ़ाने के लिए उसमें कुछ तो डाला जाता है। हमारे अचार बनते थे, अभी
में रायता तेल डालते हैं, आप नमक डालते हो ताकि वो प्रिजर्वेटिव के हिसाब से काम करे। लेकिन जो पैक फूड आता है उसमें केमिकल चढ़ता है, प्रिजर्वेटिव केमिकल, तो शरीर को वो स्वास्थ्य नहीं देता है, वो हानिकारक होते जाता है। और कभी हमारी तबीयत बिगड़ भी गई तो हम क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और डॉक्टर के पास जब चले जाते हैं तो पहले क्या करता था डॉक्टर, पैरासीटामोल दिया करता था, छोटी गोली से शुरुआत करता था, और फिर अच्छे से अगर वो काम नहीं आई तो बड़ी गोली देता था, एंटीबायोटिक्स चढ़ाता था। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसे है, आप खुद ही देख लो एंटीबायोटिक काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कि कोरोना में हमको पता चला अगर आपका शरीर सपोर्ट नहीं किया तो ना छोटी गोली काम करेगी, ना बड़ी गोली काम करेगी, ना आपका शरीर का ट्रांसप्लांट काम करेगा। आप समझ रहे हो ट्रांसप्लांट, दूसरा अवयव उसको जोड़ना। आपका शरीर अगर मजबूत है, कोरोना में यही पता चला कि आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बराबर से है, तो ही आपको सपोर्ट जो दिया जाएगा वो काम करेगा। आपका शरीर अगर ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, आपको ऑक्सीजन लगाया तो ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा। आपको सलाइन चढ़ा रहे लेकिन अगर ये नर्व्स ही अंदर शरीर में वो इंजेक्शन नहीं ले पा रही है, वो सलाइन नहीं ले पा रही है, तो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। एक ही चीज समझ लो, आप अगर मजबूत है तो आपके लिए कोई भी चीज काम करेगी, आप अगर मजबूत नहीं हो कोई भी खड़ा कर दो वो आपके लिए काम नहीं कर पाऊंगा। इसके बावजूद हम क्या कर रहे हैं कि जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वही जी रहे, कंट्रोल करेंगे हम फूड पे, क्योंकि अन्न वस्त्र निवारण ये सबकी जरूरत है, और दिन ब दिन उस पर चेंजेस भी आ रहे हैं। एक हाथ दिन हम खाने पे भी कंट्रोल कर दें, लेकिन एयर पोल्यूशन क्या करो, एयर पोल्यूशन आपने देखा कि दिल्ली में 5:30-6 बजे दरवाजे खिड़की बंद करके बैठना पड़ता है, क्योंकि जो पोल्यूशन है वो अंदर आ जाए तो पूरे शरीर को वो वाट लगा सकता है। जो एयर पोल्यूशन वहां का है वो एकदम हाई लेवल पर पहुंच गया है। जो वाटर पोल्यूशन है, पानी की कमी हो रही है और पानी का जो पोल्यूशन हो रहा है, एडल्ट्रेट आ रहा है, तो उसमें भी हमारा कंट्रोल नहीं है। कितने लोगों के पास अभी 4G है, कितने लोगों के पास 4G है, सबके पास 4G है, किसी के पास 5G आया है किसी के पास। मैंने परसों एक मीटिंग ली मलाड में, एक फिल्म एक्ट्रेस से मीटिंग में बैठे थे, 5G जब से यूज करना शुरू किए नींद उनकी बराबर नहीं हुई। अभी एक्टर है समझ लो, सीरियल में काम कर रहे हैं, अगर नींद नहीं हुई वो एक्टिंग कर सकता है, उनके चेहरे का नूर चला जाए तो वो टीवी पे आ सकता है, नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। मैंने उनको पूछा जब 5G चल रहा है, ऑनलाइन तो लगा कर था। अभी रेडिएशन ऐसी चीज है, एयर कंट्रोल, एयर पोल्यूशन पे आपका कंट्रोल नहीं है, वाटर पोल्यूशन पे कंट्रोल नहीं है, रेडिएशन जो अभी तो 4G का है लेकिन 5G का आएगा तब आपके हाथ में कंट्रोल नहीं आ जाएगा। हम कितने लोग यहाँ पे बैठे, लगभग 20 लोग हैं, 20 लोगों का अगर 5G चलेगा ना, एक महीना भर भी ऐसे सिचुएशन में रहोगे, आप ऑनलाइन जाके देखिए, या तो आपका जो फैमिली डॉक्टर है उसको पूछ लीजिएगा कितने महीने में वो आदमी, अगर इम्यून सिस्टम परफेक्ट नहीं है, प्रिवेंशन उसका परफेक्ट नहीं है, तो कितने दिन में उसको कैंसर लग सकता है, आप खुद जाके देखिएगा। क्योंकि मैं बोलने से अच्छा जो फैमिली आपका हेल्पलाइन है वो ज्यादा अच्छी तरह आपको बोलेगा। अक्टूबर 1 के बाद 5G लागू होगा, जिसको चाहिए वो लेगा, लेकिन ट्रेन में जाएंगे, हॉल में बैठेंगे, जहां भीड़ में जाओगे तो आपके बाजू वालों को आप तो ही बोलोगे ना कि तेरा 5G बंद करके रख, देखो 5G बंद करके रख, 5G बंद करके रख, रेडिएशन तो चालू ही करेगा। उस वक्त आपका चिल्खत, चिल्खत समझ सकते, वॉर के लिए हम जाते हैं ना, लड़ाई के लिए जाते तो क्या पहन के जाते हैं, वो जैकेट चिल्खत पहन के जाते हैं, को प्रोटेक्ट करके जाते हैं ताकि गोली या तो शस्त्र हमारे पे नहीं चले, तो वैसे को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होगा। आपका प्रिवेंशन, आपका प्रोटेक्शन, आपका इम्यून सिस्टम उस वक्त आपके लिए काम करे। शायद आज मैं बोल रही हूँ आपको थोड़ा मजाक भी लग रहा होगा कि मैं ये औरत क्या बात कर रही, लेकिन अगर आप जगभर में देखोगे ना तो 5G को सबने एक्सेप्ट नहीं किया इसी चीज के लिए कि इसका डेली रेगुलेशन मिल रहा है। तो 3 चीजों से हम छूटने वाले नहीं है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन
और रेडिएशन से। तो यहाँ पे खुद के बॉडी को आपको क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। आपको चॉइस नहीं है, आप अकेले डिसाइड करोगे मैं 5G नहीं लूंगा, फिर भी ट्रेन में चढ़ोगे इधर जब पॉपुलेटेड एरिया में मार्केट में भी जाओगे जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां पे आपको रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए शरीर से अंदर को आपको तैयार करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपने जो कोरोना की सिचुएशन देखी उससे भी बदतर शायद सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, और उसके लिए आज हमको रेडी होना जरूरी है। और ये जो मीटिंग कर रही हूँ ना, मैं मीटिंग अपने लिए नहीं कर रही, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है ना वो हमारे हाथ में, अगर आज नहीं जागरूक हुए ना तो वो जो नन्हे बच्चे हैं जो कॉन्स्टेंट मोबाइल पे है तो उनको हम शायद बचा नहीं पाएंगे और हमारा पूरा भविष्य उनके ऊपर निर्भर है। तो आज हमारा डिसीजन रहेगा, हमारा निर्णय रहेगा कि हमारे लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए हम कितना प्रोटेक्शन, कितना प्रिवेंशन अपग्रेड करते जाएंगे। और ये जो अपग्रेडेड वर्जन है, ये वर्जन 30 साल पहले डॉक्टर लिंग ने लाया है और ऐसे चीज में लाया है कि 222 कंट्री में, 222 देशों में जाना आसान नहीं है, और उसमें भी उन्होंने ऐसी चीज में डाला है ना जो 3 चीजें बहुत जरूरी है, हमारा बेवरेज, हमारा न्यूट्रिशन और हमारा पर्सनल हाइजीन। ये 3 चीज बहुत जरूरी है, हम सुबह से दोपहर से शाम तक जो भी करते हैं ना ये 3 चीजों में करते हैं। अगर आपका लिक्विड प्रोफाइल बराबर है तो आपका लिक्विड प्रोफाइल बराबर है। शायद मैं जो बोल रही हूँ शब्द सभी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन डॉक्टर जब रिपोर्ट निकालते हैं ना तो बोलते हैं लिक्विड, मालूम है लिक्विड प्रोफाइल लेके आना, मतलब अंदर क्या गड़बड़ चल रही है वो उसके पानी में दिखाई देगा। उसके लिए डॉक्टर लिंग ने जो DXN में बहुत बढ़िया सा न्यूट्रिशन दिया है वो बेवरेज, और ये बेवरेज जो लिक्विड प्रोफाइल है वो आपको बराबर रखने में काम आएगा। मतलब आपकी सुबह की ऋषि गहरोटी, कितने लोग ऋषि गहरोटी पी है, सब लोग पी रहे बराबर है, ऋषि गहरोटी है आपका लिंग से ब्लैक कॉफी है, 3-in-1 कॉफी है, कॉमिसन कॉफी आपका कोको सी है, 3-in-1 कॉफी है, जो भी कैनोडर्मा यूज करे जिसमें प्रिटेंशन है वैसे वाला बेवरेज बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर समर चालू है, गर्मियां चालू है तो आपका लेमन सी, आपका रोजेल, आपका नूनी सी बहुत महत्वपूर्ण होगा। जितना भी बेवरेजेस है, बेवरेज मतलब पेय, आप समझ रहे, बेवरेजेस कोई अलग चीज नहीं है, बाहर निकलेंगे तो क्या मिलेगा, छास यानी बेवरेज, बटरमिंट, बायो अपना प्रोबायोटिक ड्रिंक है, कम्बुचा है, हमारे पास इतने सारे बेवरेजेस है जो प्रोबायोटिक में आते हैं। अभी अमूल का पैक देखा, अमूल का छास किसने दिया है, अभी लेटेस्ट में अमूल छास किया है, उसके ऊपर क्या लिखे आया है, प्रोबायोटिक ड्रिंक। अगर ये आप हर वक्त पीते हो तो आपका डाइजेशन और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेगा। ये अभी कौन कर रहा है कि जो सर्वसामान्य जो सेवा दे रहे हैं वो भी प्रोबायोटिक पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जनवरी फरवरी में क्या होने वाला है, अभी से इम्यून सिस्टम बूस्टअप करना जरूरी है। अगर 15 रुपए के पैक में वो बटर में जो लिख के आता है, छास लिख के आता है कि ये आपका डाइजेशन और इम्यून सिस्टम बूस्टअप करेगा, तो अपने बेवरेजेस कौन से लेवल के है, हाई लेवल के है, बढ़िया लेवल के है, तो यहाँ पे आपको आपका इम्यून सिस्टम, आपका डाइजेशन, आपका डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छे से करके मिलने वाला है। और इधर जब आप कॉन्सेंट्रेट करते हो और रोज का पेय, आपका जो ड्रिंक आप ले रहे हो वो ड्रिंक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितना अच्छा ड्रिंक आपके शरीर को दोगे उतना आप अच्छा जीवन जी पाओगे। नीता अंबानी को कौन कौन जानता है, सुना है ना नीता अंबानी, नीता मुकेश अंबानी कितने रुपए की चाय पीती है मालूम है, 3.5 लाख रुपए की सुबह की 1 कप चाय होती है, सुबह की जब उठती है तो 3.5 लाख रुपए की 1 कप चाय होती है, यानी बेवरेज पे वो कितना खर्च करती है, 3.5 लाख रुपए। अक्षय कुमार को कितने लोग जानते हैं, उसका जो प्लेट आता है ना ब्रेकफास्ट का, बाउल रहता है उसका ब्रेकफास्ट का, उसमें जो न्यूट्रिशन आता है ना, एक देश से फ्रूट आता है, फल आता है, दूसरे देश से उसका हरा सब्जी आता है, तीसरे देश से उसका नट्स,
ऑयल नट्स मतलब सीड, अपन क्या आप क्या कहते हैं सीड, काजू बादाम पिस्ता, वो सीड ऑयल सीड्स जो शरीर को जरूरी है वो बाउल्स में आते हैं। इनका बेवरेज न्यूट्रिशन इतना हाई लेवल का कॉन्सेंट्रेटेड और अच्छी अच्छी चीजों से मिलके आता है। आप ये कर सकते हो, 3.5 लाख वाला सुबह का एक कप चाय पी सकते हो। सेलिब्रिटी तो बनना है, ऐसा कोई है जिसको सेलिब्रिटी नहीं बनना है? नहीं तो इधर आता ही नहीं। इतना दोपहर का सुनहरा टाइम घर में सोके निकलता था तो पिक्चर में या तो इधर को अल्ले लगाने को निकल जाते। अगर आज आप इधर मौजूद है इसका मतलब आपको आपका जीवन सेलिब्रिटी का जीना है। अगर सेलिब्रिटी का जीना है तो वो कैसे जीते, उनका लाइफ स्टाइल देखो। सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, अच्छा सा बेवरेज लेते हैं, 2 ग्लास गुनगुना पानी है या तो उनका अच्छा वाला बेवरेज है वो उनको मजबूत करता है। सुबह का उनका न्यूट्रिशन उनको मजबूत करता है। अलग अलग देशों से अलग अलग अच्छे अनुशिक्षण से अपने लिए लाते हैं। दुबई का राजकुमार अगर हमारी कॉफी पी रहा है, दुबई का राजकुमार जिसके लिए उपलब्धि अनलिमिटेड है, तो हमें क्या करना चाहिए, वो कॉफी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? क्या करना चाहिए? अगर ये दुबई का राजकुमार ये बेवरेज पी रहा है उसके लिए कुछ कमी कभी है क्या? वो उंगली नहीं, आप उठाए वो चीज उसके पास आ जाए। अगर वो ये चीज पी रहा है तो हमें सोचना है कि नहीं सोचना है, चुपचाप पीना है। क्योंकि अगर उसको क्वालिटी समझ में आती है, उसका फूड साइंटिस्ट ये अलाउड करता है। हमारे पास कोई फूड साइंटिस्ट हमारे खाने के लिए नहीं है, लेकिन डॉक्टर लिम ने ये प्लेटफॉर्म हमको अच्छे से दिया है। तो आपका बेवरेज बहुत महत्वपूर्ण है और बॉडी से कॉफी के लिए कोई आपके लिए कॉम्पिटिशन में कोई भी नहीं है। मुझे लाके दिखाइए कोई कॉम्पिटिशन के लिए। आपको लगता है यहाँ पे लीडर्स बैठे, आपको लगता है कॉडिसेप के लिए कंपटीशन है? आपके लिए कंपटीशन है कॉडिसेप के लिए? मार्केट में है कंपटीशन? कोई नहीं। ये कॉफी एकदम मजेदार है और ये पूरे शरीर को, आपको सिर्फ डिटॉक्स नहीं इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगी, आपको इतना मजबूत करके रखेगी कि बाहर में कितना भी गड़बड़ हो जाए आपका अंदर का शरीर संतुष्ट हो। ऐसा बेवरेज चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं? दोनों हाथ ऊपर रहेंगे तो दोनों हाथ में ऊपर रखने को क्यों कहती हूँ? हमेशा हम एक हाथ ऊपर करते, कौन सा हाथ? एक हाथ ऊपर करते आप, एक ये राइट है, बराबर है। लेकिन जब आप दो हाथ ऊपर करते हो ना, मेरा स्वार्थ है उसमें, क्योंकि लेफ्ट हैंड जब आप ऊपर करते हो ना, आपका हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने का गुंजाइश में आपका कम कर देगा। और खुशी से रहे, ताकि आप खुशी से रहोगे तो आपका परिवार समाज भी खुशी।